सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी 8 तारीख के दिन हमारे लसड़िया क्षेत्र में ग्राम पंचायत चटागिया में जिला स्तरीय टूर्नामेंट था कुश्ती का, उसका आयोजन था। उसमें उद्घाटन का जो कार्यक्रम था, स्थानीय ग्रामवासियों ने और स्थानीय सरपंच साहब ने और सभी जो आयोजन समिति के सदस्य थे उन्होंने उद्घाटन में हमारे लसड़िया पंचायत समिति के प्रधान जी लीला देवी जी को मुख्य अतिथि के रूप में और हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरपंच एवं पदाधिकारी थे उन सबको आमंत्रित किया था। हम उस दिन नियत समय प्रातः 9 बजे जो कार्यक्रम तय था उसके अनुसार हम वहां गए। वहां जाने के बाद हमारे जो टूर्नामेंट उद्घाटन का जो कार्यक्रम था वो प्रारंभ हुआ। उसमें अतिथियों को मंच पर बिठाया एवं उसके बाद ध्वजारोहण का जो जैसे कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, ध्वजारोहण के लिए बताया गया प्रधान जी मुख्य अतिथि ध्वजारोहण करेंगे। सरपंच साहिबा जो स्थानीय अध्यक्षता कर रहे थे उस कार्यक्रम की, दोनों जैसे ध्वजारोहण करने गए उसी दौरान क्षेत्रीय विधायक श्री थावरचंद जी अपने साथ 3-4 गाड़ियों के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ वह अचानक आए। उनके आते ही उन्होंने सबसे पहले जो ध्वजारोहण करने वाली जो रस्सी थी उन्होंने आते ही जो प्रधान जी इनको रोकते हुए स्वयं ने ध्वजारोहण की जो रस्सी थी पकड़ ली और बोले उद्घाटन तो मैं करूंगा। उसी दौरान स्थानीय जो कार्यकर्ता और जो आयोजक बंधु थे उन्होंने विरोध किया कि आज के इस हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान जी लीला देवी जी हैं, तो आज इसका उद्घाटन वही करेंगे और आप हमारे समापन समारोह के मुख्य अतिथि हैं, तो जो कि 12 तारीख को आयोजित होने वाला है आपको उसमें पधारना था लेकिन आप आज अपने कार्यकर्ताओं की जीत की वजह से गलत आए हो। इस बात को लेकर स्थानीय ग्रामवासियों ने विरोध किया और अंत में उनको उद्घाटन नहीं करने दिया। इस बात को क्षेत्रीय विधायक महोदय गलत तरीके से पेश कर जो पूरे क्षेत्र में एक वातावरण पैदा कर रहे हैं, मेरे साथ गलत दुर्व्यवहार किया, ग्रामवासी जो टटकिया के हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाने के लिए वो अनैतिक तरीके से धरने पर बैठे हैं और वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उनको झूठे मुकदमे में फंसाने का जो प्रयास कर रहे हैं ये बिल्कुल ही उनका गलत रवैया है। आज वहां के जो आम नागरिक है, वहां के जो आयोजन करता है उनके खिलाफ वो झूठा मुकदमा दर्ज करवाना चाह रहे हैं, जबकि उन्होंने उनको मान सम्मान से समापन समारोह जो 12 तारीख को आयोजित होने वाला था उसमें उनको बुलाया था, लेकिन वो जीत करके जबरदस्ती उद्घाटन कार्यक्रम को मैं पहुंचे और इस पूरे कार्यक्रम को बिगाड़ने का प्रयास किया। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि ये जिस प्रकार से झूठ बोलकर इस पूरे घटनाक्रम को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं एवं प्रशासन पर गलत तरीके से दबाव बना रहे हैं और हर किसी को का झूठा नाम ले रहे हैं, उसके खिलाफ ये कार्रवाई करो, उसके खिलाफ ये कार्रवाई करो। प्रशासन किसी के भी दबाव में झूठे इनके जो दबाव में किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करे, बिल्कुल निष्पक्ष जांच करे। हमें कोई आपत्ति नहीं, अगर कोई गलत साबित होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन अगर किसी निर्दोष के खिलाफ इनके दबाव में अगर कोई कार्रवाई होती है निश्चित तौर पर हम भी उसका विरोध करेंगे।